बहुत बहुत स्वागत आपका सेंटर फॉर दलित स्टडीज़। हैदराबाद में एक विशालकाय मूर्ति बनी है जिसकी ऊंचाई लगभग 27.6 फीट बताई जा रही है और ये एक कीर्तिमान बना है केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी और पूरी दुनिया में। इतनी ऊंची बाबा साहब अम्बेडकर इनकी मूर्ति नहीं है। आज हमारे साथ इस मूर्ति के निर्माता प्रज्ञा मूर्ति स्वयं उपस्थित है, उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये मूर्ति की बनाने की प्रक्रिया हुई, प्रेरणा कहाँ से हुई, किस तरह स्टडीज़ फॉर दलित सेंटर हैदराबाद ने ये मूर्ति की बात इनसे कही और क्या क्या पूरी प्रक्रिया हुई और एक विश्व कीर्तिमान इस मूर्ति ने स्थापित किया है। प्रज्ञा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जय भीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई, अभिनंदन, मंगल कामना। धन्यवाद। क्योंकि पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि बाबा साहब की इतनी ऊंची जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वो कहीं नहीं है। सेंटर फॉर दलित स्टडीज़ ने ये काम आपको सौंपा, तब उन्हें क्या लगा कि किस तरह से आप निभा पाएंगे इस काम को? जब उन्होंने मुझे बताया कि 27 फीट की मूर्ति, 27.5 फीट की मूर्ति बनाना है, तो सबसे और उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी था कि वो एक इंडिपेंडेंस स्टैचू ना होते हुए उसमें आर्किटेक्चर का भी समावेश था, यानी उसकी जो पीछे की बिल्डिंग थी उसके साथ उसका रिलेशन था। और फिर हमारे आर्किटेक्ट साहब है, उस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट साहब अपने माननीय संदीप कामले जी, उनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ। उन्होंने काफ़ी चीज़ें पहले, यानी जैसा समझ लीजिए कि स्क्रिप्ट उन्होंने तैयार की थी, करके दी थी, एक्टिंग मैंने की, ऐसा था। ये जो मूर्ति बनी है, इतनी विशाल मूर्ति बनी है जिसने एक विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया है, इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? कितने दिन आपने स्टडी की, कितने दिन मूर्ति पर वर्क किया? इसे पूरा 6 महीना लगा कंप्लीट करने के लिए। उससे पहले हमने उस पर 1.5 महीना तो रिसर्च और डिस्कशंस और मीटिंग्स बार बार होती रही, संदीप सर के साथ बार बार मीटिंग्स होती रही। फिर उनके जो प्रोजेक्ट के जो हेड है, जिन्होंने प्रोजेक्ट थ्रो किया हुआ है, उनके साथ काफ़ी मीटिंग्स हुई। उसके बाद जब हमने काम चालू किया, सबसे पहले हमने एक छोटा मॉडल बनाया था 6 फीट का, 6.6 फीट का स्टैचू था, और उसे फिर हमने एनलार्ज किया, तो उस पर अप्रूवल लिया और फिर उसके बाद हमने काम किया। ऐसा था सर, क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया में जितनी भी मूर्तियाँ बनती है, किसी भी नेता की बनती है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति के बारे में होता है कि उसको बहुत ही केयर, बहुत ही संयम, बहुत ही इसके साथ बनाना पड़ता है, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है, फेस का स्ट्रक्चर, शरीर का, तो इसमें क्या परेशानी आ गई आपको? नहीं, कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि मैंने बाबा साहब के काफ़ी स्टैचूज बनाए हैं और जो रिक्वायरमेंट मुझे दी गई थी और उसमें इम्पोर्टेंट रोल मैंने प्ले किया, लेकिन संदीप कामरे सर ने जो मुझे पहले ही पर्सपेक्टिव बता दिया था और मेरे भी दिमाग में था कि जब नीचे से देखेंगे लोग तो उन्हें क्या दिखेगा, तो हेड को थोड़ा टिल्ट रखना था, स्टैचू का बैलेंस सामने रखना था ताकि पूरा व्यू नीचे से वैसा मिले, तो ये सब चीज़ें काफ़ी पहले से हो गई थी, हमारा पहले से डिस्कशन था और स्केल मॉडल में हमने सब चीज़ें ला ली थी, तो कुछ खास परेशानी नहीं हुई मुझे। क्या मटेरियल यूज़ हुआ और कितने लोगों ने काम किया? उसमें फाइबर ग्लास FRP नाम से एक रेनफोर्स मटेरियल है, फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर करके, उसका यूज़ किया गया और स्टील का यूज़ किया गया, और इसमें लगभग 40 लेबर कंटिन्यू काम कर रहे थे मेरे साथ एनलार्जमेंट के समय, और हम 40 लोगों ने मिलकर काम कम्प्लीट किया। तो ये थे प्रज्ञा मूर्ति जी, जिन्होंने इतनी खूबसूरत जो प्रतिमा है बाबा साहब अम्बेडकर की, जो भारत के संविधान निर्माता है, हैदराबाद के सेंटर फॉर दलित स्टडीज़ में इन्होंने वो लगवाई है, जिसका अपना एक विश्व कीर्तिमान भी स्थापित हुआ है। और कहा जा रहा है, जो वो सेंटर चलाते हैं वो कहते हैं कि इस प्रतिमा को देखकर आने वाली पीढ़ियाँ प्रेरणा लेगी। प्रज्ञा जी, आपने बहुत समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।